देखा तुम्हारी आज किताब नहीं छोड़ेगा किसी को। पुणे का पौवा, पुणे का पावा, विराट लावा कैसा लेकर आया दुकान के टांगों के नीचे से जमीन खेचली बजा दी लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का। जिस तरह की किंग कोहली ने आज बैटिंग की है, किंग कोहली ने बता दिया है कि वो क्रिकेट का अब्बू है, कि वो क्रिकेट का अब्बू है। कोहली में बात है भाई जान, कोहली को, कोहली जो है ना आपको पता ही है क्रिकेट को इज्जत मिल गई है कोहली की वजह से। बहरहाल कमाल किस्म की, प्रॉपर प्रोफेशनल किस्म की टीम इंडिया की जीत भाई जान। टीम इंडिया इज जस्ट लाइक अनबीटन, मतलब अभी तक कोई टीम आई नहीं है, हराना तो दूर, उनके क्लोज भी पहुंचा। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, फाइनली जो है वो आज हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को भी घुसा दिया लेकिन आज थूक नहीं लगाया आज सूखा घुसा दिया। पाकिस्तान बोलता है ना यार कि हार्दिक पांड्या ने फूंक दिया और थूक दिया। विराट कोहली टेक अप फॉर द 47वीं ओडीआई सेंचुरी, द किंग ऑफ सेंचुरीज, 100 मारा विराट कोहली ने, टेक अप फॉर विराट कोहली। कौन है किंग विंग, कौन है लोग कहते हैं किंग? अरे किंग विंग तो हो गया, किंग है तेल लेने किंग नहीं, ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही है। मेरा घंटे कब रन करेगा, मेरा घंटा कब रन करेगा, ये कभी भी रन नहीं करेगा भाई। मैं बाबर आजम से ये डिमांड करता हूँ कि इस तरह की बैटिंग कर, मैच फिनिश करके जा, मेरे घंटे तू कब इस तरह की बैटिंग करेगा, ये कभी भी इस तरह की बैटिंग नहीं करेगा। आखिर में एक लेवल आ गया, आखिर में मजा आ गया, एक मोमेंटम बन गया, आखिर में क्या शानदार छक्का विराट कोहली ने मारा और बांग्लादेश को बोला तुम्हारी नागिनों को डस लिया है मेरे बल्ले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विराट द किंग कोहली, तो कोहली के आज फिर से एक शतक देखने को हमको मिली और 48 शतक उन्होंने बना दिए हैं ओडीआई में। और आज बांग्लादेश को जिस तरीके से धोया है, नेस्तनाबूद कर दिया है कोहली ने, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और मैच 106 रन बनाए हैं 106 स्ट्राइकर के साथ, और जिसमें 4 लंबे लंबे छक्के और 6 चौके शामिल है। और पूरी तरह से बांग्लादेशी बॉलरों को एक तरह से डोमिनेट करके विराट कोहली ने रखा। हालांकि पहले रोहित शर्मा ने भी एक अच्छी पारी खेल के गए, और उसके साथ साथ कोहली जो गिल ने भी अच्छी पारी खेल के गए, लेकिन कोहली के जो 100 था आज पूरी तरह से सभी के इनिंग्स को ओवरशैडो कर गया। और वो भी आप जानते हैं कि कोई किंग कोहली जब 100 करते हैं कोई कहां नजर आता है। पाकिस्तान मीडिया अब कोहली का दीवाना बन चुका है, जमकर तारीफ कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। किताब नहीं छोड़ेगा किसी को। पुणे का पौवा, पुणे का पावा, विराट लावा कैसा लेकर आया दुकान के टांगों के नीचे से जमीन खेचली बजा दी लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। एक और ही लेवल है ये तो। ये तो वो वाला आदमी है जो आईसीयू से निकाल के जिंदगी दे रहे आदमी को दोबारा। इस खेल में सिर्फ एक ही मजा आ सकता था कि कोहली 100 कर दे। और 16 ओवर से तपस्या कर रहा था कि यार कोहली का 100 है। जब राहुल आए तो मुझे ये तब भी पता था कि राहुल 15-20 रन रह जाएंगे तो वो कोहली को कहेंगे कि आप 100 करो। अरे राहुल द्रविड़ ने दो लोग ऐसे छोड़े में प्लेइंग 11 में बैटिंग में, केएल राहुल और वो शुभमन गिल के विराट का 100 ना निकले किसी तरह। अरे बीच में से निकाल गया, मतलब ऐसा टाइमली उसने गेम बनाया। हालांकि ठीक है बॉले बहुत ज्यादा ली है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक 100 तो रन भी तो होना, कोई 350 होता तो यही 65-70 गेंदों पे आ जाता। तो मतलब वही है ना कि यार नहीं है ना इनके पास बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था आप मुझे कह रहे थे, कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। अभी परसों ही की बात है कि जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने यह ऐलान किया, मतलब उनका ऑफिशियल ऐलानिया था कि विराट कोहली की एज स्पोर्ट्स पर्सन, एज एथलीट पॉपुलैरिटी को देखते हुए हम लोग ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करना चाहते हैं। यानी उन्होंने और कुछ नहीं बताया कि फला टीम, उन्होंने कहा विराट बहुत बड़ा आदमी है इसलिए हम क्रिकेट ला रहे हैं ओलंपिक्स में, क्योंकि विराट की वजह से क्रिकेट चलेगी। अबे तस्वीर, विराट की तस्वीर पे तुम अमेरिका में क्रिकेट चलाओगे? मैं तो कह रहा हूँ टंबर 2 में भी विराट की तस्वीरें लगा दो। क्या बचा क्या है, मतलब आप बताइए कौन है किंग विंग, कौन है लोग कहते हैं किंग? अरे किंग विंग तो हो गया, किंग है तेल लेने किंग नहीं, ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही है। अच्छा उन्होंने वाइड भी की चलाकी से, मैं यही कह रहा था कि छक्के से 100 होगा आप देखना। छक्के के सबको छक्का बना दिया, उसने इतनी सेंचुरियां मार दी कि मैं भी भूल रहा था कि 78वीं है कि 79th है। घंटा बजा दिया आज इंडिया ने बांग्लादेश का भी, 4 मैचेस में 4 घंटे बजाए हैं इंडिया ने। पाकिस्तान का भी घंटा बजाया था, ऑस्ट्रेलिया का भी घंटा बजाया था,
आज भाईजान आज इंडिया ने जो है बांग्लादेश का घंटा भी बजा दिया, सबके घंटे बजा दिए आज इंडिया ने। इंडिया ने बता दिया कि उनको वर्ल्ड कप जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। और भाई मेरे बाबर का घंटा भी बजाया था इंडिया ने, आज बंगालियों का घंटा भी बजाया। मुझे वो बंदे चाहिए जो सुबह बैठ के बकवास कर रहे थे ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में कि आज भी अपसेट होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ घंटे बकवास कर रहे थे बैठ के कि आज भी अपसेट होगा, आज बांग्लादेश इंडिया को हराएगा, देख लो कौन हारा है कौन जीता है। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का। जिस तरह की किंग कोहली ने आज बैटिंग की है, किंग कोहली ने बता दिया है कि वो क्रिकेट का अब्बू है, कि वो क्रिकेट का अब्बू है। अब्बू चल गया पीछे, उसने घंटा बजा दिया भाई बांग्लादेश का। बांग्लादेश को भाईजान पकड़ के मरोड़ दिया है। किधर गए वो लोग जो सुबह बैठ के कह रहे थे कि यार बांग्लादेश आज अपसेट करेगा वो इंडिया को, क्योंकि इंडिया, और भाई इंडिया ने पाकिस्तान का भी घंटा बजाया था, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, इंडिया ने अभी अगर न्यूजीलैंड का घंटा बजाना है तो इंडिया हारेगा किससे, ये बंगालियों से? ये क्या है भाई, किस तरह की एक डेड, मैं कहता हूँ फ्लैट ट्रैक के ऊपर पहली दफा जिस तरह की इंडियन बॉलर ने बॉलिंग की है, उसके बाद इस पिच में टर्न था ही नहीं, और पिच में टर्न था ही नहीं फिर भी इंडिया के स्पिनर चले, इंडिया के स्पिनर ने घंटा बजाया। उसके बाद आगे जिस तरह की बैटिंग की, ऊपर से रोहित शर्मा ने जो पुल शॉटों पे छक्के मारे हैं रोहित शर्मा ने, फिर गिल, और भाई शुभमन गिल ने भी मेरे घंटे से नंबर वन पोजीशन ले ली है। मेरा घंटा अब नंबर वन नहीं रहा, क्योंकि गिल को 150 चाहिए था वो उसने ठोक दिया। कल अगर बाबर आजम कुछ ना कर सका तो मेरे बाबर का घंटा बज जाएगा, मेरे बाबर का घंटा बज जाएगा, क्योंकि भाईजान इंडिया चार मैचेस में से चार जीत के नंबर वन पे चला गया। इंडिया चार में से चार जीत के ग्रुप पे टॉप पे है, और वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, और हमारा अभी भी पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हमने जाना या नहीं जाना। जो मुझे लग रहा है कि नहीं जाना भाई, विराट कोहली जो बकवास कर रहे थे परसों बैठ के कि विराट कोहली नहीं चलेगा इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे थे ना, और भाई आपका अब्बू विराट कोहली चल गया। क्रिकेट का फादर एक ही है, क्रिकेट का अब्बू एक ही है, उसका नाम है विराट किंग कोहली। और आज जिस तरह की विराट कोहली ने बैटिंग किया, जिस तरह का वो फास्ट बॉलर को खेला है, जिस तरह का वो स्पिनर को खेला है, जिस तरह उसने असम महमूद को सामने छक्का मारा था ना भाई, मैं कहता हूं मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और मेरे घंटे कब रन करेगा, मेरा घंटा कब रन करेगा, ये कभी भी रन नहीं करेगा भाई। मैं बाबर आजम से ये डिमांड करता हूं कि इस तरह की बैटिंग कर, मैच फिनिश करके जा, मेरे घंटे तू कब इस तरह की बैटिंग करेगा, ये कभी भी इस तरह की बैटिंग नहीं करेगा। इंडिया की एक और डोमिनेटली किस्म की जीत, बाबर घंटा है यह डोमिनेट करना होता है, इस तरह से डोमिनेट करते हैं भाई जाएगा। इंडिया ने आराम सुकून से जीत दिखाई, बट मजे की बात यह है कि रॉयल सुपर हिटमैन शर्मा की बैटिंग देखने को मिली, गिल का, हैदराबाद के प्रिंस का, अपने दिलों का प्रिंस का, हमारे जो है ना उसकी बैटिंग देखने को मिली। थोड़ा सा सारा भाभी की वजह से जल्दी कर ली, गिल ने बोला थोड़ा भाई अब एटीट्यूड तो बनता है, सारा भाभी के ड्रेसिंग रूम वाली साइड पे मारूं तो उस चक्कर में गिल जो है आउट हो गया। एनीवे परफॉर्मेंस, गिल की परफॉर्मेंस आई, रॉयल सुपर हिटमैन शर्मा की आई, उसके बाद किंग कोहली ने भी सही बैंड बजाई, मतलब एक बॉल 14 यार, एक बॉल 14, ये अपना किंग है, ऐसे ही तो लिख के नहीं लगाया हुआ जी भाई। अब्बू जी आप क्रिकेट बिग फैन ऑफ किंग कोहली, यार कोहली में बात है भाई जान, कोहली को, कोहली जो है ना आपको पता ही है क्रिकेट को इज्जत मिल गई है कोहली की वजह से। बहरहाल कमाल किस्म की, प्रॉपर प्रोफेशनल किस्म की टीम इंडिया की जीत भाई जान, टीम इंडिया इज जस्ट लाइक अनबीटन, मतलब अभी तक कोई टीम आई नहीं है, हराना तो दूर, उनके क्लोज भी पहुंचा। आप देखो इस टीम का मोराल अप है, इस टीम का कॉन्फिडेंस अप है, इस टीम में थ्रिल है, इस टीम में हर एक चीज है, हर एक चीज जो आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए चाहिए, सीनियर प्लेयर, मैच्योर प्लेयर, यूथ, अग्रेशन, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, कैप्टनसी, अच्छा पुल शॉट मारने वाला, अच्छा क्या दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर, दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लिक करने वाला, दुनिया का यंग सेंसेशन गेल, और आज गेल ने तो बाबर आजम घंटे को भी पीछे छोड़ दिया भाई जान। बाबर आजम घंटे की नंबर वन रैंकिंग टाटा बाय बाय, बाबर घंटे की नंबर वन रैंकिंग को टाटा बाय बाय करके रख दिया, बोला है चल बेटा छुट्टी कर तू अपनी नंबर वन रैंकिंग के साथ, तेरी अब नंबर वन रैंकिंग की बाड़ में, ये गेल आया था, प्रिंस आया, अहमदाबाद का, तेरी रैंकिंग की कोई अहमियत नहीं है, प्रॉपर टीम इंडिया ने खेला है, प्रॉपर बार्गेनिंग है, प्रॉपर मैच्योर तरीके से कह रहे हो, बांग्लादेश इज नॉट लाइक इजी, मतलब आपको वो स्पिन लगते होंगे कि भाई स्पिन हैवी अटैक है तो आराम से आप जीत जाओगे, ये वो ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब क्या ये टीम इंडिया का एक्स्ट्रा प्रोफेशनलिज्म है, मुझे एक्स्ट्रा लेवल की स्किल है, ये एक्स्ट्रा लेवल की एफर्ट है जो आप प्रैक्टिस में बनाते हो, जैसे रोहित शर्मा कहते हैं तुम लोग कहते हो एक्स्ट्रा टाइम यार, ये मेहनत से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आज कोहली ने एक जबरदस्त पारी खेली और 100 तो उन्होंने बनाए, लेकिन आखिर में जाते जाते बांग्लादेशी बॉलर भी सोच रहे थे कि भाई वाइड कर लेंगे, कोहली का 100 नहीं हो पाएगा। ये जो बांग्लादेशी है ना, इनका दिमाग में यही बस चलता रहता है, हम नहीं मतलब हम हार जाएंगे लेकिन इसका 100 रोक देंगे। लेकिन कोहली ने कहा, मतलब कहाँ छोड़ा, कोहली ने भी बोल दिया भाई ये नॉटी हो रहा है मेरे साथ, फिर छक्के चढ़ दिए, बोला भाई जा, अब कुछ रहा ही नहीं गया,
छक्का तो मार दूंगा, शॉट देने के लगूंगा तो तू मतलब वाइड फिट डालेगा ना, छह ही डाल दूंगा तो मतलब दे दूंगा तेरे पिछवाड़े में, तो तू क्या करेगा अब। तो इस तरीके से कोहली ने आज जबरदस्त 100 बनाए हैं, और आज लग ही नहीं रहा था कि कोहली की भाई 100 हो जाएगा। कहाँ 30 रन पड़ा था, मतलब जब मतलब केएल भी खेल रहे थे, विराट की 70 रन था तब 30 रन पड़ा था, तो कहाँ लग रहा था कि भाई विराट 100 कर लेंगे। लेकिन विराट ने छोड़ा नहीं, मतलब सभी को पेल दिया, और जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 30 रन किए जबरदस्त, मतलब 10 या 11 बॉलों में उन्होंने आखिर 30 रन कर दिए, और क्या ही कहा जाए। और आज रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे मतलब ये के साथ दिख रहे थे, लय के साथ दिख रहे थे, और वो भी आज एक कमाल की पारी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने कैच आउट हो गए पवेलियन के पास। और गिल ने भी अच्छा खासा आज एक इनिंग्स 50 रन की उन्होंने भी खेला। तो आज भारतीय बैटिंग की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम, और किंग कोहली की जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और किंग कोहली की 48th ओडीआई सेंचुरी को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पर मेंशन करिए। मैं रुकता हूँ जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।